Today in this short video, we'll be discussing the key differences between CBI and CID. So basically, we all know CBI is a very important investigating agency. We all study about this in Polity and Lakshmikanth. So when it comes to CBI versus CID, we need to know exactly what is the difference. See, CBI is an investigating agency of the central government. Okay, जो कि invest करता है offences concerned with national और एनीथिंग ऑफ इंटरनेशनल इंटरेस्ट. सीआईडी जो है वो डिपार्टमेंट स्टेट का है, इंडियन स्टेट पुलिस. यहाँ पे सेंट्रल की बात नहीं होती है, स्टेट पुलिस के अंदर में है. दैट इन्वेस्टिगेट्स द ऑफेंसेस कमिटेड विद इन द स्टेट. ओके, इवन सीबीआई कैन एंटर स्टेट, बट फॉर दैट इट नीड्स अ कंसेंट, दैट इज जनरल कंसेंट. स्टेट का कंसेंट के बिना नहीं हो सकता. तो द स्टेट हैज़ टू गिव अ कंसेंट फॉर सीबीआई टू एंटर इनटू द स्टेट टू इन्वेस्टिगेट केसेस. सो ये 1941 एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से आया है. इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम देयर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. फिर फाइनली 1946 एक्ट से आया है इन द सेंस इट डिराइव्स इट्स पावर. इट इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 1946 एक्ट. ऑल ओवर द कंट्री एंड इन अब्रॉड विथ नेशनल इंटरेस्ट केसेस. इट मीन्स उसी केस को सीबीआई कैन टैकल जो कि कंट्री में है, या फिर इन अब्रॉड केसेस भी टैकल कर सकता है, बट इट शुड हैव नेशनल इंटरेस्ट. बट व्हेन इट कम्स टू सीआईडी, ये 1902 में आया था. 1902 में लॉर्ड कर्जन वॉज द गवर्नर जनरल. सो इंडियन पुलिस कमीशन एक कर्जन ने एस्टेब्लिश किया था, वहाँ से आया है. ओके, कंसर्न ज्यूरिसडिक्शन इज स्टेट ओनली स्टेट. नाउ सीबीआई इज हैंडेड ओवर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ही केस लाइक सीबीआई को बोलता है कि यू नीड टू गो एंड इन्वेस्टिगेट दिस केसेस. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, ऑल्सो हाई कोर्ट भी कर सकता है, जो कि हमने पॉलिटी में पढ़ा है. बट व्हेन इट कम्स टू सीआईडी, इट इज हैंडेड ओवर बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड ओनली हाई कोर्ट. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं है. ओके, CBI deals with corruption cases, economic cases, any special cases, other cases. यहाँ पे environmental cases भी included है. Any kind of illegal trade is happening or anything. But it depends on the central government. The central government has to tell कि you have to go and handle this case. CID also same thing. Any kind of complicated cases, sensitive cases. But here again, it is the state government who has to do it. Now, how to join CBI? See, it's not important for exam, this particular thing, but you should know. सी, आफ्टर ग्रेजुएशन द कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज एग्जाम, जो कि आप अभी दे रहे हो, एंड बिकम एन IPS ऑफिसर टू बिकम ए ग्रुप ए ऑफिसर इन CBI. मोर ओवर, और एक भी है, आप अगर जो SSC एग्जाम आता है, CGL एग्जाम, वहाँ पे आप क्लियर करके सब इंस्पेक्टर का पोस्ट अगर चाहते हो CBI से, आप इसके थ्रू जा सकते हैं. हाउ टू जॉइन CID, टू वेज टू जॉइन. द कैंडिडेट कैन ईदर जॉइन द स्टेट पुलिस फोर्स, एंड बेस्ड ऑन द सर्विस रिकॉर्ड ही और शी कैन बी प्रमोटेड to the concerned department, or they can qualify civil services examination undertaken by UPSC also. Okay, so that's it for today. Thank you.